प्लस का 12x प्लस का 2। तो बच्चों प्रथम अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण और एक साधारण मेथड सिम्स को तीनों प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों में जो समस्या है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल ही समाप्त हो जाए और आसानी से बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूरे अंक को प्राप्त कर सकें। तो प्रथम अवकलज परीक्षण से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया उसको निकालेंगे, उसका एफ डैश एक्स करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे प्रथम अवकल। तो बच्चों एफ डैश एक्स करेंगे तो देखिए 9x स्क्वायर में 9 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो इसका जो बच्चों अवकलन आ जाएगा वो आ जाएगा 18x आ जाएगा, और 12 से कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। तो इसका जो अवकलन है क्या आया 18x प्लस 12। आप क्या करना बच्चों, इसको आपको 0 के इक्वल करके क्रांतिक बिंदु निकालना है। बच्चों एफ डैश एक्स को आप करेंगे 0 के इक्वल, क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं यहाँ करता हूँ कि 18x प्लस 12 बराबर 0, तो जो x का मान बच्चों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और ये 18, तो माइनस का 2/3। बच्चों x की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 2/3। अब प्रथम अवकलज परीक्षण में इसको नंबर लाइन पर चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करेंगे, ये आपने बना दिया नंबर लाइन बच्चों, ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी और ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, पॉइंट आपका क्या बच्चों माइनस का 2/3। एक वैल्यू लेफ्ट में चेक करेंगे इसके और एक चेक करेंगे राइट में, चिन्ह को देखना है प्रथम अवकलज परीक्षण में। तो माइनस 2/3 से नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3/3, माइनस का 4/3, माइनस का 5/3। तो माइनस का 3/3 का बच्चों मतलब कितना हो गया जा करके माइनस 1 हो गया, और आगे जाए बच्चों हम लोग इसके, तो माइनस का 2/3, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बच्चों, फिर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 पे भी चेक कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं लेफ्ट में, तो बच्चों एफ डैश माइनस 1 चेक कर लेते हैं, एफ डैश माइनस 1 पर इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं बच्चों। तो एफ डैश एक्स में रखेंगे माइनस 1, तो बच्चों हो जाएगा 18 इंटू माइनस 1 प्लस 12, तो बच्चों निकल के कितना आएगा ये देखिए माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि बच्चों क्या है लेस देन है 0 से, माइनस का 6 आ जाएगा, यानी आपको चिन्ह मिल गया यहाँ पर माइनस। अब आगे जा चेक कर लें, माइनस 2/3 के आगे चेक कर लेते हैं, तो 0 मिलता है बच्चों, तो 0 पे चेक कर लें इसको, तो 18 इंटू 0 प्लस 12 यानी बच्चों मिल गया प्लस का 12 यानी ग्रेटर देन 0, तो बच्चों क्या मिल गया चिन्ह प्लस मिल गया। और क्या बताया आपको कि एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है वो माइनस 2/3 पर एक्स लगा, माइनस 2/3 पर बाएं से दाएं जाने पर माइनस से प्लस बदल रहा है, अतः जो x बराबर माइनस 2/3 है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, निम्नतम का बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है, इसी पॉइंट को सवाल में फंक्शन में रखने पर हमें निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए बच्चों देखिए इस पॉइंट को हम लोग रखेंगे क्वेश्चन में जाकर के, तो हमें मिल जाएगा बच्चों क्या निम्नतम मान, निम्नतम मान चेक करेंगे बच्चों, तो f माइनस 2/3 को रखेंगे प्रश्न में जाकर के, तो बच्चों 9 इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और प्लस का 12x है, तो 12 इंटू माइनस का 2/3 और प्लस कितना है 2 दिया गया बच्चों। तो देखिए बच्चों ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3/4 जाएगा, माइनस का 8 हो गया प्लस का 2 हो गया, तो 4 × 6 - 8 यानी -2। बच्चों इस प्रश्न का आपको जो मिनिमम वैल्यू निम्नतम मान प्राप्त हुआ वो माइनस का 2 प्राप्त हुआ है, अतः इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है, इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रथम अवकलज परीक्षण से ये प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब इसी प्रश्न को चेक करेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण से, तो बच्चों देखिए द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए क्या करना होता है, इस प्रक्रिया को तो वैसे ही करेंगे जो पहले आपका जो फंक्शन दिया गया, देखिए एफ एक्स दिया गया है कितना 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, निकालते हैं एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, अभी आपने निकाला 18x प्लस 12 हो जाएगा। इसके बाद इसको निकालते हैं क्रांतिक बिंदु, यानी इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे बच्चों, तो 0 के इक्वल करने पर अभी आपने निकाला है जो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों माइनस की 2/3 आ रही है। अब निकालते हैं बच्चों इसका क्या एफ डबल डैश एक्स, क्या निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं बच्चों, तो देखिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, चूंकि x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 और 12 कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 18 मिल गया। हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, तो बच्चों f डबल डैश हमें चेक करना है माइनस 2/3 पर, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। और बच्चों जब ये ग्रेटर देन 0 मिलता है f डबल डैश x, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि निम्निष्ठ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं निम्निष्ठ बोल देते हैं बच्चों।
तो निम्निष्ठ का मतलब है अब हमें निकालना है निम्नतम मान। तो बच्चों जिस पॉइंट पे निम्निष्ठ आया है उसको हम लोग रख देंगे फंक्शन में जाकर के, सवाल में रख देंगे जाकर के। तो f माइनस टू बाई थ्री, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 9 हो जाएगा, और माइनस का 12 एक्स, तो 12 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस का 2, तो बच्चों ओवरऑल सॉल्व करने में कितना मिलेगा माइनस 2। तो बच्चों जिस पॉइंट पर ये लेस देन ग्रेटर देन जीरो आया उसको निम्निष्ठ बोला है, तो निम्नतम मान उसी पॉइंट पर फंक्शन में रखेंगे तो बच्चों प्राप्त हो जाएगा माइनस 2, अतः इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है। तो प्रथम अवकलज परीक्षण से, द्वितीय अवकलज परीक्षण से इस प्रश्न को आपने अच्छे समझने का प्रयास किया। अब बच्चों इसको देखेंगे हम लोग नॉर्मल मेथड से। इतना करने के बाद बच्चों इसको हम नॉर्मल मेथड से देखने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या है आपका, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2। प्यारे बच्चों इसको निम्नतम मेथड से लगाने के लिए, बेसिक मेथड से लगाने के लिए इसको पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए ये आपका दिया गया है एफ एक्स, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं देखिए कितना, इसमें चाहें तो आप देखिए सवाल में आप 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, कैसे करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके। जी हाँ, तो ये करने से बच्चों देखिए बन जाएगा ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चेक करेंगे बच्चों कैसे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab 2 3 6 12x, और कितना बचाएंगे बच्चों माइनस का 2 बचा। अब वही तरीका है क्या कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल्स टू होगा 0 के। अब बच्चों क्या है माइनस 2, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस 2 को जोड़ने पर तो 0 माइनस 2। अब ये क्या बन गया बच्चों, फंक्शन बन गया, हमारा जो सवाल था वो बन चुका है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये कितना आ गया बच्चों माइनस 2। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए बच्चों, इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है वो आपका माइनस 2 से बड़ा है या बराबर है, माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 2 से माइनस 1 0 1 2 इन्फिनिटी तक ज़्यादा पॉजिटिव से बड़ा है, इसका मतलब जो माइनस 2 है वो उसका निम्नतम मान है, निम्निष्ठ मान है। जिसका बच्चों मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गया, जो इसका मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गया वो माइनस का 2 प्राप्त हो गया, और इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है, इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है। तो बच्चों प्रथम अवकलज परीक्षण से, द्वितीय अवकलज परीक्षण से और एक साधारण मेथड से आपने तीनों प्रकार से देखा कि इस प्रश्न का जो न्यूनतम मान बच्चों है वो माइनस का 2 प्राप्त हुआ है।